सो गाइस मैं हूं राघव और आप देख रहे हैं अपना बर्बन मैन यूट्यूब चैनल। सो आज मैं आ गया हूं फिर से कैमरा केयर में लेके आपको। हेलो भैया, सबसे पहले हेलो। ओके सो आज बहुत ज़्यादा वीडियो में डिले हो गया क्योंकि उसके वजह बहुत सारी रीज़न है, उसको मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। आज की वीडियो में विदाउट टाइम वेस्ट करें वे सीधे आपको बताते हैं। सबसे पहले शॉप की लोकेशन भी फिर से बता दिया मैं व्यूअर्स को। कैमरा केयर सर्विस सेंटर हमारा ये जो चारबाग रेलवे स्टेशन है वहाँ से करीब 1 किलोमीटर के आसपास है। और आप अगर लैंडमार्क की बात करें तो गुलाटी पीपल वाले गणेशगंज हमारा एरिया है, सूर्य मार्केट हमारी मार्केट का नाम है। ओके सो आज की वीडियो में बेसिकली आपने जैसे पहले भी हमारे व्यूअर्स ने वीडियो देखी होगी तो हम लोग कैमरा दिखाने वाले हैं। कैमरा केयर पे आपको सेकंड हैंड कैमरा मिल जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ लेके। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को ऐसी और अच्छे कंटेंट के लिए। सो भैया सबसे पहले आज की वीडियो में हम लोग दिखाने वाले हैं मतलब फोटो कैमरा एंड वीडियो कैमरा। तो स्टार्टिंग क्या रेंज होगी भैया हमारे व्यूअर्स के लिए? देखिए सबसे पहले मैं जो सबसे कम बजट के कैमरे हैं उनसे स्टार्ट करना चाहूँगा कि कुछ हमारे पास यहाँ पे कैमरे हैं। जैसे कि अगर कैनन की मैं हम बात करेंगे तो कैनन में हमारे पास ये 1300D है। 1300D के हमारे पास यहाँ पर 4-5 मॉडल कैमरे रखे हुए हैं जो कंडीशन पे डिपेंड करता है रेट। तो 1300D हमारे पास 15-16 हज़ार से लेकर 18-20 हज़ार तक जो कैमरे हैं एकदम जो बहुत मेन कंडीशन पे हैं। 15-16 हज़ार से स्टार्टिंग हो जाएगी एंड कितने तक भैया मिल जाएगा? 18,000-20,000 जो बिल्कुल डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन होगा उसके प्राइसेस जो होंगे। बाकी 1300D देख से लेंस कितना? 18-55 भैया 18-55 किट लेंस है। ओके 18-55 किट लेंस के साथ होगा। आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं कैसी होगी अगर पास से दिखाऊं, बिल्कुल मिंट कंडीशन में होगी, ब्रांड न्यू कंडीशन। अगर इस कंडीशन में लेंगे तो मतलब कितने तक में? ये हमारे पास 15,000 का है। 15,000 रुपये में आपको इस कंडीशन में मिल जाएगा। बाकी इसके साथ भी एसेसरीज में मेमोरी कार्ड एंड केस चार्जर बैटरी कुछ के साथ मेमोरी कार्ड रहता है। बाकी मेमोरी सॉरी बैटरी चार्जर और इसका स्ट्रिप इसका बैग ये सब चीज़ें सारे कैमरों के साथ में रहता है। ओके मतलब स्ट्रिप बैग होगा एंड बैटरी होगी वो तो ऑफिशियली इसके साथ रहता ही है। बाकी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी परचेज करना होगा तो वो भी आपको यहाँ पर सर्विस मिल जाएगी। तो ये 15-16 से लेकर 18,000 रुपये की रेंज में मिल जाएगा। मॉडल कौन सा था भैया? 1300D। ओके नेक्स्ट फिर भैया किस कौन से? अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कैनन की रेंज में बढ़ते हैं आजकल जैसे कि वीडियो बनाने के लिए टिकटॉक टाइप का वीडियो बनाने के लिए लोग LCD रोटेट वाली पसंद करते हैं फ्लिप तो स्क्रीन। कैनन का 700D है, बहुत सक्सेसफुल मॉडल है, अभी बंद हो चुका है। okay. और नया करीब ये 40 के आसपास रहता था। सेकंड में हमारे पास ये 23,000 से 25,000, 28,000 कंडीशन पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग रेट होता है। ओके 23 से 25,000 की रेट के मतलब आपको अराउंड में ये मिल जाएगा। मॉडल क्या है भैया इसका? 700D कैनन। ओके कैनन 700D इसका मॉडल होगा। कंडीशन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, 23 से 25,000 की रेंज में मिल जाएगा डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन कैसी कंडीशन मिल रही और इसके साथ क्या क्या एसेसरीज मिल रही। बाकी ऑफिशियली बैग एंड मेमोरी कार्ड एंड बैटरी तो मिलती साथ में रहता है। साथ में रहता है। बाकी अगर आपको और उस पर एक्स्ट्रा परचेज करना है, आपको हार्ड डिस्क भी लेनी है या फिर मेमोरी कार्ड और हैवी GB का लेना है तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये 23 से 25,000 में मिल जाएगा आपको ये। फिर नेक्स्ट भैया कौन सा कैमरा दिखाएंगे? थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ते हैं अगर कैनन में तो ऑलमोस्ट मेरे पास काफ़ी सारा कैमरा है, 700D, 1300D, 1500D। जैसे 1500D भी ब्रांड न्यू कंडीशन में कैमरे हैं, ये भी करीब 18,000-20,000 के आसपास रहते हैं, कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। ये कौन सा मॉडल भैया? ये कैनन का 1500D बहुत लेटेस्ट कैमरा है और काफ़ी सक्सेसफुल कैमरा है। बिल्कुल आप इसकी कंडीशन भी देख सकते हैं, बिल्कुल मिंट कंडीशन मिलेगा। 18-55 किट लेंस के साथ होगा एंड 18 से 20,000 रुपये की रेंज में मतलब मिल जाते हैं। अगर बहुत अच्छी क्वालिटी होगी तब भी मतलब ये रेट में आपको मिल जाएंगे। बाकी भैया इसके साथ बात करें अगर आपको बैटरी अगर मतलब एक्स्ट्रा परचेज बैटरी कितने तक में आ जाती है? बैटरी देखिए कॉपी बैटरी अगर लेते हैं तो मान के चलिए 1,800 रुपये के आसपास कॉपी बैटरी मिलती है, ओरिजिनल बैटरी 2500-3000 के आसपास होती है। ओके एंड बैटरी का बैकअप कितना रहता है जो ओरिजिनल इसके साथ मिलती है? ओरिजिनल बैटरी करीब मान के चलिए 500-600 के आसपास कंपनी क्लेम करती है और उतने ही के आसपास ऑलमोस्ट चलती है। बिल्कुल बाकी कंपनी कैनन काफ़ी ट्रस्टेबल कंपनी है तो उसमें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप लोग पहले से कैनन कंपनी के बारे में जानते हैं, सेकंड हैंड जरूर है कैमरा बट क्वालिटी इसकी ब्रांड न्यू से कम नहीं होगी। बाकी सर्विस हमारे कैमरा केयर से आपको इतनी बढ़िया मिलेगी कि आप न्यू की तरफ जाएंगे नहीं, पैसे बचाइए और सेकंड हैंड ले जाएंगे। नेक्स्ट बात करें भैया ये कौन सा मॉडल? निकॉन का D3500 कैमरा है, ये बिल्कुल अभी ब्रांड न्यू कंडीशन में कैमरा है और अभी कंपनी ने इसके ऊपर कोई मॉडल नहीं भी निकाला है। ओके इसके ऊपर अभी कोई कंपनी की कोई लाइनअप नहीं आई है और ये भी आपका इस समय वीडियो के लिए बहुत सक्सेसफुल कैमरा है, वीडियो और स्टिल दोनों के लिए बढ़िया काम है, APS-C सेंसर पे कैमरा है। ओके तो ये किस रेंज में मिल जाएगा भैया? ये हमारे पास 20,000 में है, ऑलमोस्ट 3500 एकदम ब्रांड न्यू कंडीशन में कैमरा है। और अगर बात करें न्यू कितने टाइम पे आता था मतलब ये नया अभी जब कंपनी ने बंद करा तो करीब 30-32 हज़ार के आसपास रहता था। ओके 30-32 हज़ार रुपये का कैमरा आपको मिल जाएगा 20,000 रुपीज़ में, वो भी बिल्कुल ब्रांड न्यू कंडीशन। अगर आप ऐसे आगे देखेंगे तो आप कह नहीं सकते कि सेकंड हैंड कैमरा है क्योंकि विद आपको एसेसरीज बिल बॉक्स सब कुछ मिल जाएगा बिल्कुल।
फिर भैया नेक्स्ट बजट कौन सा कैमरा? नेक्स्ट में अगर आगे स्विच करते हैं थोड़ा सा, अगर और ऊपर बजट में जाते हैं तो जैसे निकॉन का ये D700 कैमरा है, मोस्ट बहुत सक्सेसफुल कैमरा है FPS सेंसर पे, उसी को थोड़ा हम और अपग्रेड में आएंगे तो ये निकॉन का D7200 है। तो जैसे 7000 कैमरा है निकॉन का, ये करीब 20000 के आसपास 25000 के आसपास रहता है विद 18-105 3.5 5.6 अपर्चर लेंस के साथ। सेम लेंस आपका मिलता है आपको 7200 के साथ, और 7200 भी ऑलमोस्ट अच्छी वेल मेंटेन कंडीशन में, बहुत सक्सेसफुल कैमरा है निकॉन का ये बिल्कुल, और डिमांडेड कैमरा है, फ्रेम रेट भी इसका काफ़ी तगड़ा है, और ये भी करीब मान के चलिए 35-40000 के बीच में हमारे पास मिल जाते हैं। कंडीशन की बात करें तो आप कंडीशन देख सकते हैं एज यूजुअल सारे कैमरे की तरह, इसमें तो स्ट्रैप भी लगी हुई है आपको, स्ट्रैप हर कैमरे के साथ जिसके साथ अवेलेबल होगी मिल जाएगी, सबके साथ मिलेगी बिल्कुल, सबके साथ मिलेगी, ये देख सकते हैं स्ट्रैप की क्वालिटी। बाकी कैमरे जो मेन आपका मेन कैमरा आप उसका लेंस देख सकते हैं, आफ्टर सर्विस मतलब सारे सेकेंड हैंड कैमरे मिलते हैं आपको यहाँ से, अगर कैमरा लेने आ रहे हैं तो बस आप कैमरा डायरेक्ट लीजिए, आपको कुछ भी उस पर काम नहीं कराना है, बिल्कुल ब्रांड न्यू कैमरा कंडीशन में मिलेगा आपको। कितने में भैया मिल जाएगा? 35-40000 रुपये में। हाँ 7000 जो है वो हमारे पास 35-40000 में अवेलेबल है और बढ़िया कंडीशन में बिल्कुल। और इसके आगे बात करें भैया कौन सा कैमरा? हम थोड़ा और अगर बजट पे चलेंगे, जैसे कि अभी मैंने आपको एंट्री लेवल DSLR से स्टार्टिंग कराई, उसके बाद ये मिड लेवल DSLR है, अब आप आते हैं मेन DSLR जो परफेक्ट DSLR कहे जाते हैं, तो फुल फ्रेम कैमरे में आते हैं फुल फ्रेम। तो ये निकॉन का मेन कह लीजिए बहुत सक्सेसफुल कैमरा है D750 कैमरा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मार्केट में बिका हुआ है, बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड कैमरा है, तो हमारे पास ये 750 है, ये बॉक्स पैक 750 भी रखा हुआ है। ओके आप बॉक्स पैक भी अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए बॉक्स पैक 750 रखा हुआ है, एंड कंडीशन देखिए बॉक्स पैक्ड है, मतलब बिल्कुल अच्छी कंडीशन में, ऑलमोस्ट 90% कंडीशन में, 90% नॉन यूज कंडीशन आप कह सकते हैं। तो ये कितने का आएगा भैया? 750 जब कंपनी का प्राइसिंग था वो करीब 135 के आसपास, 135000 के आसपास था। okay. अभी सेकंड में हमारे पास 65000 में मिल जाएगा। फिर भैया बात करें नेक्स्ट, जैसे मैं देख पा रहा हूँ ये DJI का ऑस्मो है, DJI का पॉकेट ऑस्मो है बिल्कुल, और ये भी हमारे पास सेकंड में रहते हैं, और ये हमारे पास फिलहाल अभी 8000-9000 में मिल जाते हैं। बाकी अगर आप लेने आएंगे तो आपको फुल चेक करके मिलेगा विद बॉक्स एंड ऑफिशियल जो एक्सेसरीज के साथ आती होंगी वो आपको मिलेंगी, 8000-9000 रुपए की रेंज में मिल जाएगा हमारे कस्टमर को। तो भैया लेंस के बारे में थोड़ी बता, लेंसेज के बारे में अगर हम लेकर चलते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे लेंसेज हैं यहाँ पर जी, निकॉन के लिए भी हैं 70-300 लेंस, और कैनन के लिए भी 55-250 लेंस, फिर 18-55 बेसिक लेंस भी हैं, फिर अगर फुल फ्रेम पे हम जाते हैं तो कैनन का 70-200 2.8 लेंस है, तो इस तरीके से हमारे पास लेंस की भी काफ़ी लाइनें हैं, ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू कंडीशन में लेंस हैं। ये हमारे पास जो भी 70-300 निकॉन के लेंस हैं ये 8000-10000 के बीच में रहते हैं, लेकिन जो भी लेंस होगा सब ऑलमोस्ट मान के चलिए 90% कंडीशन में तो होगा बिल्कुल। और अगर 18-55 लेंस अगर स्पेयर लेंस खरीदना है तो कितने तक में आ जाएगा? मान के चलिए 2000-2500-3000-3500, अलग अलग सीरीज होती है, अलग अलग कंडीशन होती है, अलग अलग रेट मिल जाएगा। बाकी ये भैया और क्या रखा है? ये भी DJI का ऑस्मो गिम्बल है। ओके DJI ऑस्मो गिम्बल, मतलब गिम्बल की भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड रहती है, तो वो ये देख सकते हैं इसकी पैकिंग जो है गिटार की तरह मतलब बनाई हुई है। ये भी DJI का बड़ा सक्सेसफुल प्रोडक्ट है, बेसिकली ब्लॉगिंग के लिए यूट्यूबर्स या जो भी कुछ है, बहुत ही इजी हैंडल कैमरा है जी बिल्कुल। और इसकी कंडीशन में दिखाऊं काफ़ी लाइट वेट होगा, ज़्यादा हैवी नहीं है, देखने में आपको लग रहा होगा काफ़ी हैवी है बट बहुत ज़्यादा ये पॉकेट फ्रेंडली है, लाइट वेट कैमरा होगा, 15000-18000-20000 मतलब डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन होगी कि कैसी कंडीशन मिल रहा है। इसकी बात करें भैया कैमरा कितनी मतलब क्वालिटी पे होता है? ये 4K कैमरा होता है, 4K कैमरा मतलब 4K सपोर्ट करता है कैमरा इसकी क्वालिटी शूट करने के लिए, 4K 60p। ओके कैनन का 6D Mark II मोस्ट डिमांडेड कैमरा है कैनन के इस समय जी, और ये नया करीब 140 के आसपास रहता था, मान के चलिए 80-85% कंडीशन है, और ये सेकंड में हमारे पास 80000 में अवेलेबल है। कि आज की वीडियो में इतना कुछ दिखाया, कैसी लगी आपको ये वाली वीडियो? अगर आपको पसंद है इसको लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल बर्बन मैन को, और अगर आपको कुछ भी शॉपिंग करनी कैमरा केयर से तो भैया एक बार शॉप का हम कॉलिंग नंबर बता दिए मैं भी उसको। शॉप का कॉलिंग नंबर है 9335026968। और एक चीज थोड़ा सा और बोलना चाहूंगा, जो भी अभी आप जब भी कॉल करिए तो कोशिश करिए 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक ही कॉल करिए, मेरे पास बहुत सारी कॉल जो रात में 2-2 बजे 3-3 बजे कॉल करते हैं, उनको हम रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, बाद में उनकी कंप्लेन होती है कि आपने टाइमली हमको रिप्लाई नहीं करा। तो बिल्कुल मॉर्निंग 11 AM से लेकर आप रात के 9 बजे तक कोशिश करिए, उसके बाद प्लीज़ कॉल ना करिए, क्योंकि मतलब शॉप की जो ऑफिशियल कॉल रिस्पॉन्स टाइमिंग से यही है, उसके बाद अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो फिर वो भी अच्छा नहीं लगता है, तो इसीलिए प्लीज़ कॉल टाइमिंग्स का ध्यान रखिए। बाकी आपको कैसी लगी वीडियो फीडबैक कमेंट में जरूर दीजिए, शॉपिंग करनी है तो शॉप का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, कॉलिंग नंबर भैया ने बता दिया। बाकी फिर से मिलते हैं ऐसी नई कमाल वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।